नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोरन किचन में। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये आपका इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करेगा। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि कोरोना वायरस काफ़ी फैल गया है और इसके अगेंस्ट हम लोग काफ़ी प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशन के साथ साथ आप इस इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी को ज़रूर बनाएं ताकि आपका शरीर इस बीमारी के अगेंस्ट लड़ सके और ये रेसिपी आपको खांसी और कफ होने से भी बचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 इंच अदरक, 4 चम्मच हल्दी पाउडर, 50 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम घी। तो चलिए सबसे पहले अदरक को छील लेते हैं। अदरक छिल गया है, अब इसे रफली कट करके ओखली में कूट लेते हैं। कूटा हुआ अदरक को एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब इसे बनाने के लिए कढ़ाई गरम कर लेते हैं। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें घी डालें। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब इसमें कूटा हुआ अदरक डालकर हल्का फ्राई कर लेते हैं। अदरक फ्राई हो गया है, अब इसमें हल्दी पाउडर डालें। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसे लो फ्लेम पर हल्का भूनें। इस औषधि में हल्दी होने की वजह से ये काफ़ी अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर साबित होता है। जब हल्दी हल्का भून जाए तो इसमें गुड़ डालें। गुड़ डालने के बाद गैस स्टोव ऑफ कर दें। गुड़ डालने के बाद इसे मेल्ट होने तक लगातार चलाते रहें। गुड़ बर्तन के गर्मी से थोड़ा देर में मेल्ट हो जाएगा। गुड़ हल्दी के साथ ज़्यादा देर पकाइएगा तो ये लट्ठा जैसा बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। तो देखिए कितना जल्दी हल्दी, गुड़ और अदरक का औषधि बनकर रेडी है। इसे आप बनाकर महीनों दिन तक बिना फ्रिज के स्टोर कर सकते हैं। इसे रोजाना रात में खाना खाने के बाद 1 चम्मच खाएं ताकि आप खांसी और कफ से बचे रहें। इस रेसिपी को आप अपने तक सीमित न रखें, इसे दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर करें ताकि वो भी अपने सेहत का ध्यान रख सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए रेसिपी के साथ।